नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल काशी रसोई पे। और आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया नाश्ते की रेसिपी ले आई हूँ जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आटा गूंदा है और इस गूंदे हुए आटे को मैं यहाँ पे बेल रही हूँ। तो इस पे हम बढ़िया तरीके से डस्टिंग करके इसको एकदम पतला बेलेंगे, जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ। और जितना बड़ा और पतला बेलेंगे, ज्यादा पतला भी नहीं करना है, हल्की सी आपको इसमें 1 मिलीमीटर की वो इंच रखनी है साइज। तो इसको हम अच्छे से बेलेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे इतना बड़ा बेल लिया है और अब मैं इसको एक ढक्कन ले रही हूँ और मैं इसको काटूंगी। आप चाहे तो कोई बर्तन ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। और हम इसकी कुछ इतनी शेप्स काट रहे हैं। आप चाहें तो इसको मैदे से भी बना सकते हैं अगर आपको अलग चाहिए हो, पर आज हम घर में रखे गूंदे हुए आटे से बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने की शेप बनाई है और अब आपको मैं इसको बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने एक ऐसे जो सर्कल काटा है वो निकाला और अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करते हैं बीच से और फिर इसको ऐसे मोड़ देंगे। तो और मोड़ के बीच से आपको अच्छे से इसको दबा देना है। तो ऐसे आपकी ये जो अलग शेप है वो रेडी हो जाएगी। ऐसे आपको अपनी बाकी शेप्स को भी रेडी करना है। और आपको एक दूसरा ऑप्शन भी दिखा रही हूँ, बेल के बना सकते हैं। इतनी छोटी सी हमने लोई ली है और अब हम इसको अपने अनुसार बेल देंगे। ये वाला जो मेथड है ये बहुत इजी भी रहता है, अगर आप दोनों में से कोई सा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ हमने इसे पतला बेल दिया है और अब मैं इसको देखिए बीच से पहले फोल्ड करूंगी। उंगलियों को बीच में रखना है आपको अपनी और फिर ऐसे फोल्ड कर देना है। तो ऐसी ही आपकी एक शेप रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ये शेप्स बना के देखिए रेडी कर लिए हैं बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, एक कढ़ाई है उसमें मैंने पानी गर्म कर रही हूँ और इसमें मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है जिससे ज्यादा चिपके ना। तो अब जितने भी हमने शेप्स बनाई थी हम इसको यहाँ पे धीरे धीरे एक एक करके डाल देंगे। अब ये मेरे यहाँ पे बॉईल हो गए हैं, अच्छे से पक गए हैं। तो अब मैं इनको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा निकाल लूंगी अपनी प्लेट में और इसको प्लेट में निकाल के हम रखेंगे और उसके बाद हम इसका बनाएंगे बढ़िया सा मसाला। तो अब हम इसका मसाला बनाएंगे। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने प्याज काटी हुई है, थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है, यहाँ मैंने टमाटो पेस्ट बना लिया 2-3 टमाटर से, यहाँ पे छोटे छोटे अदरक लहसुन मैंने काट लिए हैं और 2 हरी मिर्चें। तो चलिए इसका मसाला बनाते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इसको अब हम थोड़ा गर्म होने देंगे। अब यहाँ मैं थोड़ा सा अपना जीरा डाल रही हूँ और इसमें थोड़ी सी मैं सरसों भी ऐड करूंगी और इसी के साथ अपनी हरी मिर्ची भी ऐड करूंगी मैं। तो यहाँ मैंने हरी मिर्ची डाल दी है अपनी और जो अदरक लहसुन बारीक काटे थे वो भी साथ में ऐड करूंगी और इनको हम कुछ सेकेंड तक फ्राई होने देंगे। इनके हल्का सा फ्राई होते ही अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी जो मैंने काटी हुई है और इसको अच्छे से एक बढ़िया सा मिक्स करेंगे हम यहाँ पे। तो हल्के से हमारे जो प्याज भुन जाएंगे हम इसमें अपनी कैप्सिकम डाल देंगे और कैप्सिकम को हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, थोड़ी सी क्रंची मुझे बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा पका देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो कैप्सिकम है ये हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपना जो टमाटो पेस्ट मैंने बनाया है और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं मसाले अभी ऐड कर लूंगी अपने। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक, स्वादानुसार आपको नमक डालना है और थोड़ी सी इसमें मैं हल्दी डालूंगी, इससे बहुत बढ़िया रंग आएगा हमारे होममेड नाश्ते में, एकदम पास्ता की तरह बनता है ये बढ़िया। हल्का सा इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूंगी और हल्का सा मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूंगी और इसमें मैं थोड़ा सा भीगी मिर्च ऐड करूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब इस मसाले को हम बढ़िया तरीके से पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पर अपनी टमाटो ग्रेवी को काफी पका दिया है, इसको हमें ज्यादा भी नहीं पकाना होगा, थोड़ा सा पकाना है जब तक इसका पानी वैपरेट ना हो जाए। तो अब हम इसमें जो हमने बनाए थे आटे के वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे। तो यहाँ पर मैंने ये ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको अच्छे से बढ़िया मिक्स देंगे और ये आपको हल्के हाथ से मिक्स करना है वरना आपकी जो शेप्स हैं वो खराब हो सकती हैं। तो अब हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे। तो अब ये हमारा जो घर पे बनाया हुआ नाश्ता है बढ़िया तरीके से रेडी है और अब मैं इसको अपनी एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। इसको आप गर्मा गर्म खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए और हमें कमेंट करके बताइएगा अगर बच्चों का पास्ता वगैरह कुछ खाने का मन है तो आप ये नई चीज घर पे ट्राई करिएगा जरूर। एक मिनट।
तो यहाँ पे मेरा ये लजीज नाश्ता एकदम रेडी है। आप इसको धनिया से सजाइए, पुदीने लगा के सजाइए और अच्छे से मजे करके खाइए। आई होप वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।